वहीं धमतरी में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। धमतरी में फिर एक मामला सामने आया है, जहां भखारा में पैदल जा रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। और घटना से आक्रोशित लोगों ने धमतरी भखारा मार्ग में चकाजाम कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं चकाजाम की सूचना मिलते ही भखारा पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि भखारा निवासी वेदराम यादव टहलने के लिए निकला था, जिसे किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क में ब्रेकर और बाईपास मार्ग के निर्माण की मांग की है। धमतरी से वैभव चौधरी की खास रिपोर्ट। किस बात को लेकर आज चक्का जाम किया गया है? भखारा में जो लगातार हो रही है दुर्घटना, आज फिर से हमारे एक बंधु की आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना घटी है, और लगातार मांग कर रहे हैं हम लोग यहाँ बाईपास, ब्रेकर, बैरिगेड, लेकिन शासन प्रशासन के कान में अभी तक झूठ चली है। इसीलिए नगर के जितने युवा हैं वो सभी यहाँ एकत्रित होकर रोड जाम किए हैं। आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तत्काल बाईपास, ब्रेकर और बैरिगेड की व्यवस्था यहाँ हो जाए, और जितना ये रोड में आवाजाही ये जो हो रही है उसको तत्काल रोकी जाए, ताकि किसी प्रकार की और दुर्घटना ना घटे और आगामी कोई भी किसी की मृत्यु ना हो। जी, वेदराम साहू एवं चंद्रहास साहू, वेदराम यादव चंद्रहास साहू सुबह प्रातः 5 बजे के लगभग मॉर्निंग वॉक पे निकले थे कि एक अज्ञात वाहन है पीछे से दोनों को ठोकर मार दिया, जिससे चंद्रहास साहू घायल हो गया और वेदराम यादव का मौके पर ही मृत्यु हो गया है, जिसको पीएम के लिए अभी गुरु हॉस्पिटल भेजे हैं। मर्ग एवं FIR दर्ज कर लिया गया।